वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। आगामी कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा निर्णय। जनवरी 2025 में खत्म हो रही ग्राम पंचायतों का बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। जनवरी 2025 में 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल हो रहा है पूरा। इसे लेकर सरकार में चल रहा है मंथन। हालांकि अभी तक सरकार ने इस पर नहीं लिया है कोई फैसला। नए जिलों को लेकर फैसले के बाद ही ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों का होगा पुनर्गठन। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। आगामी कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा निर्णय। जनवरी 2025 में खत्म हो रही ग्राम पंचायतों का बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। जनवरी 2025 में 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल हो रहा है पूरा। इसे लेकर सरकार में चल रहा है मंथन। हालांकि अभी तक सरकार ने इस पर नहीं लिया है कोई फैसला। नए जिलों को लेकर फैसले के बाद ही ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों का होगा पुनर्गठन। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। आगामी कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा निर्णय। जनवरी 2025 में खत्म हो रही ग्राम पंचायतों का बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। जनवरी 2025 में 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल हो रहा है पूरा। इसे लेकर सरकार में चल रहा है मंथन। हालांकि अभी तक सरकार ने इस पर नहीं लिया है कोई फैसला। नए जिलों को लेकर फैसले के बाद ही ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों का होगा पुनर्गठन। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। आगामी कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा निर्णय। जनवरी 2025 में खत्म हो रही ग्राम पंचायतों का बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। जनवरी 2025 में 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल हो रहा है पूरा। इसे लेकर सरकार में चल रहा है मंथन। हालांकि अभी तक सरकार ने इस पर नहीं लिया है कोई फैसला। नए जिलों को लेकर फैसले के बाद ही ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों का होगा पुनर्गठन।